हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बनाते हैं ये चटपटी स्पेशल चिकन करी प्रेशर कुकर में। तो उसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, यहाँ पे मैंने टोमेटोज लिए हैं, 6 टोमेटोज। फाइनली मैंने इनको चॉप कर लिया है। ये मैंने 1 बॉल जो है कोरिएंडर लीव और 1 बॉल मिंट लीव्स मैंने लिए हैं। 7 to 8 ग्रीन चिलीज लिए हैं, उसको हमने स्लिट कर लिया इस तरीके से। और ये मैंने लिए हैं 5 to 6 ऑनियन, फाइनली स्लाइस्ड हम कर देंगे। और यहाँ पे मैंने जिंजर और गार्लिक को क्रश करके 2 टेबलस्पून लिया है। और यहाँ पे मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया था जिससे सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर और जिंजर गार्लिक से 10 to 15 मिनट्स के लिए। तो हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए। तो चलिए अब हम अपनी मटन करी, चिकन करी बनाना शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। तो ये मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 5 to 6 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल के। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। उसको हमने अच्छे से बर्न होने देना है। तो अब ऑयल जो हमारा हो चुका है, सो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ अब क्लोव्स। तो मैंने यहाँ पे लिए 6 to 7 क्लोव्स और ये हैं 7 to 8 ब्लैक पेपर सीड्स, 2 बे लीफ, 1 क्रश ब्राउन कार्डिमम एंड 3 ग्रीन कार्डिमम। तो ये होल स्पाइसेस 1 मिनट के लिए हम ऑयल में रहने देंगे। सो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक जो हमने क्रश करके यूज़ किया था। 1 मिनट के लिए इसको मिक्स कर देंगे इस तरीके से। फ्लेम हमने लो रखना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो ऑनियन हमने स्लाइस करके लिए थे। तो अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करके इसको कुक करना है लो फ्लेम पे, जब तक हमारे ऑनियन का जो कलर है वो स्लाइटली चेंज ना हो जाए। तो ग्रेवी में हम टमाटोज और ऑनियन का थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करेंगे, इससे हमारी ग्रेवी भी अच्छी बनती है और थिक बनती है। तो जिस हिसाब की आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप टमाटोज और ऑनियन यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करेंगे लो फ्लेम पे और स्लाइटली गोल्डन होने तक हमने इसको कुक कर लेना है। इस तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ऑनियन अभी काफ़ी हमारा अच्छे से पक चुका है, कलर काफ़ी चेंज हो गया। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई मसालास। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून ये रेड चिली पाउडर कलर के लिए यूज़ किया। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर पाउडर 2 टीस्पून। अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे मसालों को और 1 से 2 मिनट तक हमने लो फ्लेम पे इनको पका लेना है ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो रिमूव हो जाए। इस स्टेज पर जब हम इस तरीके से मसालों को भूनते हैं तो मसाले अच्छे से भून जाते हैं और कच्चापन भी नहीं रहता, स्वाद भी अच्छा आता है हमारी ग्रेवी में। तो देखिए इस तरीके से हमने इनको भून लेना है। तो अब ये हो चुके हैं ऑलमोस्ट, देखिए। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे टोमेटोस। तो यहाँ पे जो चॉप टोमेटोज मैंने लिए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। टोमेटोज, ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स हम सब एक साथ इसी में ऐड कर देंगे इस तरीके से। अच्छे से इनको हमने मिक्स कर लेना है और लो फ्लेम पे हमने अच्छे से पकाना है इनको। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी सॉल्ट। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है इस तरीके से। और अब हमने इसको लो फ्लेम पे कुक करना है जब तक हमारे टमाटो सारे मसाले अच्छे से कुक हो जाएँ और बिल्कुल इसमें से ऑयल सेपरेट होने लग जाए। तो अभी हम कवर कर देंगे लिड को और लिड को कवर करके कुक करेंगे। तो ये देखिए अभी आप देख सकते हैं ऑयल जो है सेपरेट हो गया है, मसाले अच्छे से पक गए हैं। थोड़े से जो ये टोमेटोज़ के चंक्स आपको दिख रहे हैं उसको हमने इस तरीके से मैश कर लेना है प्रॉपरली। तो अच्छे से इसको मैश कर लेना है। ये देखिए हो चुका है। तो अब हम इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे
और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चिकन को और मसालों को अच्छे से आपस में एकदम अच्छे से कोट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो इस तरीके से हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए चिकन के साथ। तो अब हम इसको लिड को कवर करेंगे और हमने इसको कम से कम 15 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है। बीच में आप इसको चेक भी कर सकते हैं। सो ये देखिए, एक बार चेक करके हम देख लेते हैं। तभी आप देख सकते हैं अच्छे से एक बार हम इसको मिक्स कर देंगे मसालों को, ताकि मसाले हमारे नीचे लगे नहीं। क्विक मिक्स देंगे इस तरीके से और फिर दोबारा से लिड को कवर कर देंगे और कुक करेंगे। तो 15 मिनट्स के बाद जैसे कंप्लीट चेक करके देखेंगे तो देखिए ऑयल जो है कम्प्लीटली रिलीज हो गया है। मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे चिकन के साथ इस तरीके से। सो अब हम इसमें ग्रेवी इंक्रीज करेंगे। तो अब मैं इसमें वाटर ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे हॉट वाटर लिया है, और वाटर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, जिस तरीके की आपको ग्रेवी चाहिए हो। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 1.5 से 2 ग्लास पानी ऐड करा है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हमने सीजनिंग भी चेक कर लेनी है। थोड़ा सा मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ एज पर टेस्ट। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी चिकन मसाला। तो आप भी चिकन मसाला और 1 टीस्पून मैंने यूज़ करा है गरम मसाला, चिकन मसाला ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इस तरीके से। और अब हमने जो है लिड को कवर कर देना है और हमने इसमें 3 विसल्स तक वेट करना है। देखिए हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी चिकन ग्रेवी जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अच्छे से मैं एक बार इसको मिक्स कर दूंगी। सो ये देखिए हमारी चिकन की जो ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है, देखिए बिल्कुल जो चिकन है बोन से अलग हो गया, तो ये अच्छे से पक चुका है। तो ये हमारी टेस्टी स्पेशल चिकन करी जो है बनके तैयार हो गई है। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, ये है रोस्टेड कसूरी मेथी। इसको आप रोस्ट करके यूज़ कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्रेग्रेंस आती है। तो ये देखिए मैं आपको क्लोज़र आपको दिखा देती हूँ कितनी यमी ये बनी है हमारी ग्रेवी। तो चलिए अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी टेस्टी और हेल्दी चिकन करी जो है बिल्कुल बनके तैयार हो गई है, बिल्कुल झटपट प्रेशर कुकर में बनके तैयार हो गई है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप भी इसको बिल्कुल ट्राई करें इस रेसिपी को घर पे फ्रेंड्स और फैमिली के लिए, और इसको आप घर में गर्म सर्व कर सकते हैं स्टीम राइस, रोटी, चपाती जिसके साथ भी आप चाहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद अनदर रेसिपी।